हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है स्काउट भाई को लेकर। जब TX परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पा रही थी स्क्रीन में, स्काउट भाई उसके ऊपर क्या स्टेटमेंट देते हो आपने स्क्रीन पर देख सकते हो। भाई डिप्रेशन मैं हम भाई भगवान भगवान। एक होता ना ऐसा कि हाथ पैर बांध दिया है और तुमको पानी में गिरा दिया है, अब तुम मतलब भोसड़ी के ऊपर कैसे जाए। वही मेरा भाई हुआ था भाई, बता। अरे जो हाथ पैर पीट रहा भाई, ऊपर जान दो भाई, वैसा सीन हो गया था भाई आज। आज 4 गेम में 7 पॉइंट लिए, सोचो 5 गेम में 9 पॉइंट लिए, इमेजिन करो कितना गंदा खेले। वो चलो ठीक है, हमारे साथ और बहुत सारे टीम ने 10-11 पॉइंट लिए, एक्चुअली वो कौन है मुझे जानना है। फक, मुझे हंसी हो गई कि चलो ठीक है, मेरा तो दिन खराब था भाई, मैं सुनता हूँ भाई। क्या तुम्हारा भी दिन था सेम ऐसा? हमारे साथ और 5-6 टीम आए सेम लाइन में, मतलब भाई बढ़िया, सही डिप्रेशन है। हो है, और बताइए जनता। मावी का यही हाल था। अरे भाई मत पूछो भाई, आज मैं सारंग से भी हार गया 10 के पॉइंट से DDM। और अगली न्यूज आ रही है अल्ट्रॉन और मेस्टास को मैटर के लेके, जहां आज अल्ट्रॉन ने पूरा का पूरा मैटर क्लियर कर दिया। और गाइस प्लीज किसी को कमेंट में हेट मत देना टीम पे, मुझे लग उन लोग का स्लॉट नहीं मिला मावी की टीम को, इसलिए वो बाकी टीम के जो जो प्लेयर हैं उनको बोल रहा है कि ये इनको को खिला रहे हैं। मतलब वो इसकी जल गई है कि हमारा स्लॉट कैसे कटा है। ब्रो मेरी क्यों जलेगी, मेरे पास टीम, मेरी टीम खेल रही है एट बिट ऑलरेडी, मेरे पास तो है खेलने का स्लॉट। मैं सिर्फ उस बंदे के लिए रिलेटेड बोला, और मैंने इसलिए बोला, और मैंने ये बोला था कि मावी से कंपेयर्ड अचीवमेंट्स नहीं है इन बंदों की, इतने सारे बंदों की, तो इनको स्लॉट मिल रहा है तो इसको भी मिलना चाहिए। तो मैं वो रेज या जो भी था, मैं बोला कि ये क्यों खेल रहा है, फिर इन्हें क्यों मिल रहा है, मावी को क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं वो मावी पाजी की वो कर रहा था कंपेयर उसमें करते बोला था। मैंने ये नहीं बोला था वेश ने कुछ नहीं जीता है या मैक्स काश ने कुछ नहीं किया है, जैसे इसने बोला तुम क्वालिफाई नहीं हुए थे या कुछ भी है। तो ब्रदर मैं उस बंदे से कंपेयर बोला था, मैं ये नहीं बोला था कि क्या बोलते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया है। ऑब्वियसली कुछ किया तभी यहाँ खेल रहे हैं सारे, बट मैं उस बंदे से कंपेयर बोला था। ठीक है भाई, तुम्हारा स्लॉट कटा उसमें हमारी क्या गलती है, तुम्हें नहीं खेलने दे रहे भाई। मेरे को तो पता भी नहीं है टीम की मावी है कौन है क्या भाई। चलो टीम मावी है कौन है क्या, चलो इस पर तो रिप्लाई देने की जरूरत है नहीं। मैं तो खेलता है, मैं अपना आता हूँ खेलते चले जाता हूँ शांति से, मैंने थोड़ी तुम्हारे स्लॉट कटवाए हैं। तुम नाम लेके क्यों बोल रहे हो किसी का, जो ऑर्गेनाइजर है उनको जाके बोलो ना। ऑर्गेनाइजर से बात हो गई थी भाई, मैक्स काश क्यों खेल रहा है, मैक्स काश कौन है, या फिर ये कौन है वो कौन है, अब तो उनको जाके बोलना, मुझे क्यों बोल रहा है। हमने अपने क्या किया है, पागल है भाई ये, मैं तो सीरियस नहीं लेता इसको, मस्ती 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 में बोल दिया होगा इसने, ज़्यादा सोचता नहीं है, दिमाग विमाग नहीं है इसमें, भी बोलता है था। कौन सी वायर? ये रही। ओ भाई यहाँ पे हम लोग की टीम जो है ना एल्ट्रॉन, ये जब बैन हुआ था कि मुझसे पहले भी यही थी टीम फॉरएवर ही थी, ठीक है, उसके बाद हमने उसको टीम एनिग्मा फॉरएवर किया, और जो प्लेयर्स थे वो भी यही थे, मैं ओवेस दलजी तीनों वही थे तब से अभी तक, तेरे जैसे नहीं, हमने 4 टीमें बदली हैं। MGZ फनेटिक GXR TF TF सेम था, 4 टीम हो गई, ठीक है इसकी भी। फिर इसने सोल में भी ट्राई आउट दिया, सोल में एक्सकाश नाम था बट हुआ नहीं था, 5 टीम हर 2-2 दिन में। हम किसी और के घरों में जाके नहीं रहे हैं टीम के अंदर लाने के लिए। मेरे को सबसे ज़्यादा हंसी इस बात पे है कि हम किसी के घर जाके नहीं रहे हैं किसी की टीम में आने के लिए। पहली बात, अगर तूने बात अभी के लिए बोली है कि मैं माई पाजी के घर आया हुआ हूँ इसलिए बोली है, तो ब्रदर किसी भाई ने बुलाया, क्योंकि गेम अभी 2-3 महीने आ नहीं रहा था, तो किसी ने बुलाया अपने घर पर कि आ जा हम इन्जॉय कर लेते हैं थोड़ा सा, हम बहुत टाइम हो गया मिले हुए, 3-4 महीने हो गए थे, और मेरे को बहुत दिनों से बुला रहे थे मावी पाजी, तो मैं गया हूँ। और ब्रदर अभी सबका मंदा चल रहा है, धंधा नहीं चल रहा, इतना कुछ ये है वो है, तो मैं ये कोई वो हवा नहीं दिखा रहा कुछ भी, इधर सिर्फ हम थोड़ा इन्जॉय करने आए थे। और संगरूर में हमने 5 दिन में 50,000 खर्चे हैं, ठीक है, तो ये फ्लैक्स नहीं कर रहा मैं या कुछ वो नहीं कर रहा, बट मैं बस बता रहा हूँ किसी घर टीम में आने के लिए मेरे पास टीम, अगर ये मावी पाजी की बात हो रही है कि इसके घर क्यों आया, किसी के घर नहीं जाते, और अगर तूने ये TX से रिलेटेड बोला है कि तू स्काउट के घर गया था स्काउट भाई के, तो भाई मैं नहीं गया था जब GXR टूटी थी ना, और तुमको किसी ने लिया नहीं था, तो मेरे को कॉल आया था और मेरे को स्काउट भाई ने बुलाया था और मैं गया था, क्यों, क्योंकि, और पहली बात उसको बुलाया जाता है जो डिमांड में होता है, उसको लिया जाता है, टीम का ऑफर उसे दिया जाता है जो डिमांड होती है, जिसकी वर्थ होती है कोई, समझ आई ये बात,
मेरे को भी घर में इसलिए रखा था, तुम्हें कोई ढंग का बंदा अपने घर में रखेगा 1 महीने 2 महीने 1 हफ्ते 3 महीने, तो वही डिफरेंस हो जाता है। अपना मेहनत करके इधर आए हैं तो हमको स्लॉट सारे मेहनत करके आए हैं। मिला है, तो तू भी मेहनत कर लेता, घर पे नहीं जाता किसी और के रहने हैं, तो देख तू भी खेल रहा होता शायद। मैं कब नहीं खेल रहा भाई, TX में था जब भी खेल रहा था, उसके बाद मैं 8-bit में आया हूँ तब भी खेल रहा हूँ, तब भी बहुत बढ़िया खेला है। लैन वैन हुआ, किसी के घर नहीं जाता टीम के लिए, क्या इतना पैनिक क्यों होगा मैक्स कैश? और ये चैट में सारे लिख रहे हैं मैक्स कैश स्पिटिंग फैक्ट्स, ये दूसरी टीम के बंदे, दूसरा के फैन बेस थोड़ा खुश हो गया कि चलो 8-bit ऐसे 12 वाले बंदों को किसी ने बोल दिया। तेरा स्लॉट नहीं कटा हुआ था भाई, मेहनत कर, फालतू किसी और को मत बोल, मैं तो यही बोलूंगा, अच्छा, जाके ऑर्गेनाइजर से बोल जो बोलना है, फालतू स्ट्रीम पे आके उल्टा सीधा मत बोल। किसी के घर नहीं गया वाली बात, ब्रदर किसी ने रखा है अपने घर पे, अभी भी मैं यहाँ आया हूँ तो बुलाया है मेरे को, मैं खुद नहीं आया हूँ इधर, मेरे को बुलाया और मेरा भी मन था, और हमने 5 दिन में जितना एंजॉय किया तुम कभी ना कर सकते और ना कभी कर अब इग्नोर पाओगे। करोगे इसको, टॉपिक को जो था मैंने क्लियर कर दिया, तुमको नहीं करना है किसी को बिल्कुल पता नहीं भाई, उल्टा सीधा नहीं बोलना, अपन ऐसे बंदे नहीं है। चलो ये बात इतनी थी, मैंने सारी क्लियर कर दी। और अगली न्यूज आ रही है सिड भाई को लेकर, जिन्होंने बहुत से चैनल्स को टर्मिनेट करने की स्टोरी डाली थी अपने इंस्टा पे, जिन्होंने सोल सिटी के कंटेंट में चैनल पे डाले थे, और इसी के साथ बहुत से लोग बोले कि सब एलआई चैनल्स तो यही कर रहे हैं, बट एक छोटा सा कंटेंट डालना है 1 और 2 मिनट के क्रिएटर्स के क्लिप से, और एक पूरा प्रॉपर कॉन्टेंट 10 से 12 मिनट का होता है डालने में फ़र्क होता है, इसी के ऊपर सिड भाई ने ये एक्शन लिया है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।